आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का फैसला किया, जिसमें 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ये चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और विदेश नीति को लेकर लगातार फेक न्यूज फैला रहे थे। इसके साथ ही मंत्रालय ने 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक पेज और 1 वेबसाइट को भी बैन करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 यूट्यूब आधारित समाचार चैनल, 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। इन यूट्यूब चैनलों की कुल दर्शकों की संख्या 260 करोड़ से अधिक थी और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर फेक न्यूज और सोशल मीडिया दुष्प्रचार फैलाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। फेक मैसेज को फैलाने के खिलाफ व्हाट्सएप एक नए फीचर तैयार कर रहा है। इस फीचर के आने के बाद से किसी भी शेयर किए गए मैसेज को एक से ज्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। मैसेजिंग ऐप ने फॉरवर्ड मैसेज लिमिट फीचर ब्राजील में पिछले साल पेश किया था। अब इसे अन्य देशों में लाने की योजना है। वहीं जब आप चैट करते हैं या फिर खुद का कुछ लिखा हुआ शेयर करना चाहेंगे तो आप पहले की तरह एक से अधिक एक साथ 5 ग्रुपों में मैसेज को फॉरवर्ड कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर अक्सर देखा जाता है कि फेक मैसेज तेजी से फैलते हैं, जिस पर लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप इन गलत मैसेज के खिलाफ यह फीचर लेकर आ रहा है। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंतजार करते करते थक गया हूं। आलाकमान से कोई प्रोत्साहन नहीं है, अपने विकल्प खुले रख रहा हूं। मौजूदा हालात में उनका ये रवैया कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और कई ने विरोध में बिगुल फूंका, उसमें फैजल का कदम हालातों को और खराब ही करेगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अपने पिता दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को आवंटित सरकारी बंगले को चिराग पासवान ने पिछले हफ्ते खाली कर दिया। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से उनके परिवार को बाहर निकाला गया और अपमानित किया गया, उससे उन्हें धोखा महसूस हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के सांसद ने कहा कि वह 12 जनपद स्थित बंगला खाली करने के लिए तैयार थे। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनका परिवार अब इसका हकदार नहीं था, लेकिन ये जिस तरह किया वह गलत था। घर में लगी बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की फोटो फेंकने से उन्हें तकलीफ हुई। तेल के बढ़ते दामों से आमजन बेहाल है। हालांकि बीजेपी के नेता बढ़ोतरी के बचाव में तर्क देने में लगे हैं, लेकिन उनकी बात जनता तो क्या अपने सहयोगी दलों के गले के नीचे से ही नहीं उतर रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने तेल के दामों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार से मांग की है कि सरकार तत्काल कोई कदम उठाए। जदयू के मुख्य महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि केंद्र तुरंत इस दिशा में कदम उठाकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में कमी करे। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम का असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ बीजेपी की सरकार बनाने को वोट किए थे। मंगलवार को राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग हमें सत्ता का भूखा कह रहे हैं, उन्हें खुद का चेहरा आईने में देख लेना चाहिए। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा वो कांग्रेस पार्टी जिसने आपातकाल लगाया, सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए, बिना कारण विपक्षी नेताओं का जेल में डलवा दिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, यहाँ तक कि किशोर कुमार के गानों पर भी रोक लगा दी, वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष ने दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल लाने के लिए सरकार की संवैधानिक क्षमता पर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में अमित शाह ने ये बात कही। महाराष्ट्र में मस्जिदों में अजान के समय लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा गर्मा गया है। अब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। पिछले साल हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर न लगाने की बात कही थी।
बीजेपी के सबसे अमीर नेताओं में शामिल मोहित कंबोज ने ट्वीट किया, जो कोई मंदिर में लाउडस्पीकर लगाना चाहता है वह हमसे मुफ्त में मांग सकता है। सभी हिंदुओं की एक आवाज होनी चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नीदरलैंड यात्रा की आधिकारिक शुरुआत के दौरान यूरोपीय देश के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने उनका और उनकी पत्नी सविता कोविंद का मंगलवार को औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति कोविंद दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एम्स्टर्डम पहुंचे। इससे पहले 1988 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। इसके 34 साल बाद यह भारत के किसी राष्ट्रपति की नीदरलैंड की पहली यात्रा है। इस दौरान वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के प्रावधान वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत प्रदत्त अधिकार के माध्यम से लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र सरकार किसी पूर्ण राज्य के संबंध में विधेयक यहाँ नहीं ला सकती। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 6 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।